नमस्ते सच्चाई सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो है वो डॉक्टर जाकिर नायक साहब का एक बयान है, जिसमें एक हिंदू शख्स ने डॉक्टर जाकिर नायक साहब से एक बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन पूछा। तो वो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे तब देखते हैं उसमें क्या था, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैंने ये वीडियो पहले नहीं चला के देखा। मैं हमेशा अपना रिएक्शन वीडियो शूट करती हूँ उसी टाइम पे वीडियो को फर्स्ट टाइम देखती हूँ, कि अदरवाइज वो जो एक इंटरेस्ट बनता है ना वो नहीं बनता अगर हम दोबारा वीडियो को देखते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा गया था और डॉक्टर जाकिर नायक ने उसका क्या जवाब दिया। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। दूसरे साथी हैं वो भी नॉन मुस्लिम है, उनसे ख्वाहिश है कि वो तशरीफ लाए माइक नंबर एक पे, और दूसरे नॉन मुस्लिम भाइयों से भी ख्वाहिश है कि वो माइक पे तशरीफ लाएं। थैंक यू, आपने मौका दिया। अभी मैंने सुना है कि हिंदुइज्म में प्रतिमा के जरिए पूजा किया जाता है वगैरह वगैरह, तो मैंने भी कुछ पढ़ा है, सुना है, देखा भी है, और हर धर्म के इसमें जाकर मैंने उनके जरिए से पूजा भी किया है, सिखिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी में भी देखता हूँ। सभी में परमात्मा, कोई बोलता है परमात्मा एक है, कोई बोलता है परमेश्वर, कोई बोलता है अल्लाह, ये सब नामों के है। लेकिन अगर अपने दिल से अगर दुनिया में देखे समझे तो परमेश्वर एक ही है। अभी प्रतिमा के जरिए हिंदुइज्म में एक ही परमेश्वर को देखा जाता है, वो प्रतिमा को परमेश्वर नहीं मानते, उसके जरिए वो परमेश्वर पैरे में एटमिक फोर्स का हो इबादत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अरदास करते हैं। कोई पूजा बोलता है, अरदास बोलता है, देयर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट माइंड। तो मैं तो समझो बाय बर्थ हिंदू हूँ, लेकिन मुझे रुचि परमेश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, ये जो नाम है एक बड़ी महान शक्ति के जरिए मैं विश्वास रखता हूँ। इन सब कपड़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, जीसस को मानता हूँ, बुद्धिस्ट को मानता हूँ, द होल थिंग। मेरा धर्म क्या है, क्या बता सकते कि मेरा धर्म क्या है? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है, उन्होंने कहा है कि मैं बाय बर्थ आई एम अ हिंदू, मीन मैं पैदाइशी हिंदू हूँ, लेकिन मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ी, बुद्धिज्म पढ़ा, और कहा कि मैं क्रिश्चियन में जाके प्रेयर किया हूँ और बुद्धिस्ट में जाके किया हूँ। मेरे सुनने में ये ना है कि इस्लाम में किया हूँ, नहीं नहीं, आपने कहा नहीं, बोला मेरी जेब में भी है, जेब में भी है, दिल में भी है, दिल में भी इस्लाम, दिल में भी है। भाई साहब हर मजहब के वहां गए, वो पूछना चाहते हैं कि मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। उसके पहले उन्हें दो चीज कहा कि हम ईश्वर को प्रतिमा के जरिए पूछते हैं, और कहा कि कई नाम है, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह। फिर कहा मैं धर्म क्या है, तीन भागे सवाल के। पहली बात मैंने कहा कि ये प्रतिमा के जरिए इबादत करना कोई किताब में नहीं लिखा है, आप अपना खुद का धर्म बनाएंगे। आपका नाम क्या है भाई साहब? शिवाजी। शिवाजी, 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 शिव, पूरा नाम क्या है? शिवाजी सुखदेव वारोले। शिवाजी वारोले, हाँ, शिवाजी वारोले। तो हमें उस तरीके से इबादत, जिस तरीके से धार्मिक किताबों में लिखा है, कुरान में लिखा है कि सही इबादत करो, सजदा करो, हिंदुइज्म में भी लिखा है दंड नमस्कार, पता है दंड नमस्कार, उसमें कहा षष्टांग, षष्टांग पता है, षष्टांग मतलब, षष्टांग मतलब आठ अंग आपके हिस्से के जमीन पे लगना चाहिए, आठ अंग, आठ हिस्से आपके अंग के जमीन पे लगना चाहिए, आठ अंग, माथा, नाक, दो हाथ, दो घुटने और दो पैर, आठ हो गए ना सब। मेरी तो एक ही टांग है, एक स्वर्ग में गई है, तो मैं साष्टांग कैसे कर सकता हूँ? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है, आम तौर पे अगर सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 101, 102, 103 में, अगर आप तकलीफ में अगर खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ो, आप घोड़े पे भी पढ़ सकते, ऊंट पे भी पढ़ सकते, समझे ना? मिसाल के तौर पे उसका मतलब आप खड़े नहीं रहते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं तो लेट के, तो आठ ने साथ है ना,
सात दिन तो छह भी चलेगा, जितने उतने नमाज कबूल हो, लेकिन आठ है और आठ होके बोलेंगे मैं सात करूंगा तो गलत है। आठ है तो आठ करना चाहिए, बैठ सकते हो तो बैठ के करो, आप समझे ना। अगर खड़े सकते तो खड़े रहना आपके लिए जरूरी है, मैं खड़े सकते फिर बोलूंगा बैठ के बोलो तो सही बात नहीं। तो उस तरीके से इबादत करना जिस तरीके से लिखा है कुरान में या वेद में। आप तहकीक करेंगे तो कुरान में लिखे है सुजूद के बारे में सजदा करना, हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है साष्टांग, बाइबल में पढ़ेंगे बाइबल में भी लिखा है इन द बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 क्या इब्राहिम फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में के मोसेस एंड एरन वो धरती पे गिरे जमीन पे गिरे और अपना माथा टेक के खुदा की इबादत की, फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में जोशुआ फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड, जोशुआ ने मुंह के बल जमीन पे गिरा और खुदा की इबादत की। ईसा अलैहि सलाम अब गॉस्पेल पढ़ेंगे ऑफ मैथ्यू में टुक अ फ्यू स्टेप फॉरवर्ड इन गार्डन ऑफ गेट्समेनी फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड, गार्डन ऑफ गेट्समेनी पे मुंह के बल गिरे और खुदा की इबादत की। मैं पूछता हूँ कोई भी खिलाड़ी या एक्रोबैट मुंह के बल अगर गिर सकता है जिस तरीके से मुसलमान पढ़ते उससे बेहतर गिर नहीं सकता है। तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए धार्मिक किताबों का मुताला कीजिए। आप अपने खुद के तरीके से शुरू करेंगे तो ये गलत है, आप समझ रहे ना। आपका दूसरा सवाल, खुदा बोलो अल्लाह बोलो जीसस बोलो, कुरान में आए थे सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 कुलिदुल्लाह अबिदुर्रहमान अयमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना, कहो अल्लाह या रहमान जो भी कहो लेकिन बेहतरीन नाम कहो, सही नाम कहो, क्योंकि अल्लाह के सबसे बेहतरीन और अच्छे ब्यूटीफुल नेम्स हैं। कुरान मजीद में कहा गया है कि आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो लेकिन सही नाम से पुकारो, और कुरान मजीद में अल्लाह के 99 नाम हैं, अल हकीम रब अर रहीम हिकमत वाला रहमत वाला, और सबसे ऊंचा नाम है अल्लाह। ये जो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह के सबसे बेहतरीन नाम है सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8 सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 180 और सूरह हशर सूरह नंबर 56 आयत नंबर 24 में कहा गया है कि सबसे बेहतरीन नाम है अल्लाह ताला के। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये अरबी लफ्ज़ अल्लाह में मिलावट नहीं है, बाकी सब लफ्ज़ में मिलावट है। मिसाल के तौर पे गॉड लो, गॉड में एस ऐड करेंगे तो हो जाता है गॉड्स। कुरान में कुल वल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अगर हम गॉड पे ऐड करते डी ई एस एस हो जाता है गॉडेस, मुअन्नस खुदा फीमेल गॉड। इस्लाम में ना मेल गॉड है ना फीमेल गॉड, अल्लाह क्या कोई जिन्स नहीं। अगर मैं ऐड करता हूँ फादर हो जाता है गॉड फादर, वो मेरा गार्डियन है, वो मेरा गॉड फादर है, वो मेरा देखभाल करने वाला है। इस्लाम में अल्लाह अब्बा या अल्लाह फादर जैसा कोई चीज़ नहीं। अगर मदर ऐड कर हो जाता है गॉड मदर, इस्लाम में कोई अल्लाह अम्मी अल्लाह मदर नहीं है। अगर मैं टिन प्रीफिक्स करता हूँ गॉड के आगे हो जाता है टिन गॉड, मतलब फेक गॉड, मतलब बनावटी खुदा। इस्लाम में कोई टिन अल्लाह नहीं है। इसीलिए मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज़ अल्लाह से पुकारना बेहतर समझते बनिस्बत गॉड। आप लो परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, कुछ भी लो उसके मिलावट है। अगर मैं कहूँगा देव हो जाता है देवी, हो जाता है देवता, देव देवियाँ देवता, आप समझो खुदा खुदाओ खुदादाद, सब में मिलावट है। इसीलिए मुसलमान पसंद करते अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से बुलाना। आपका आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल, आपका नाम क्या, आपने कहा शिवाजी क्या, शिवाजी वारुले, वारुले। आपका आखिरी सवाल कि आप कौन सा धर्म फॉलो करते, आपका धर्म है शिवाजी वारुले का धर्म, शिवाजी वारुले का धर्म, ये सही धर्म नहीं है। आपको मानना चाहिए खुदा का धर्म, अल्लाह का धर्म, और वो धर्म सबसे बेहतरीन उस धर्म के बारे में लिखा है ये कलाम। मैंने कहा ना इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल कुरान है जो खुदा का आखिरी कलाम है, जिसमें लिखा है किस तरीके से इंसान को अपनी जिंदगी बसाना चाहिए, किस तरीके से इबादत करना चाहिए और क्या चीज करना चाहिए। मैं खुद के ऊपर फॉलो करने लगूंगा तो नया धर्म इजाज करूंगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद को पढ़िए,
उसका तर्जुमा पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, मराठी में पढ़िए और इस पे अमल कीजिए। फिर मैं कहूंगा आप वो धर्म मान रहे जो खुदा का धर्म। तो अगेन वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस ऑफ डॉक्टर जाकिर नायक। और जैसे इसमें डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बोला था कि साष्टांग प्रणाम बोलते हैं, ये हिंदू धर्म में होता है, मैंने भी बहुत बार सुना है साष्टांग प्रणाम, लेकिन मुझे उसका मीनिंग नहीं पता था कि साष्टांग का क्या मीनिंग है। तो आज मुझे पता चला साष्टांग का मतलब है कि आपकी बॉडी के, आपके जिस्म के 8 पॉइंट्स हैं जो जमीन को टच करने चाहिए जब आप उस रब का सजदा करते हो, जब आप अपने परमात्मा की पूजा करते हो, तो आपके शरीर के 8 हिस्से इस जमीन को टच करने चाहिए। तो ये हर रिलीजन में लोग जब पूजा करते हैं, प्रे करते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म की बात करूँ, लोग जब झुक के माथा टेकते हैं तो उनके 8 हिस्से जमीन को टच करते हैं। और मैं अगर सिख रिलीजन की बात करूँ तो हम लोग भी जब ऐसे प्रे करते हैं तो बॉडी के 8 हिस्से जमीन को टच करते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मकसद यही है कि जैसे कुरान में भी लिखा हुआ है कि आपकी बॉडी के 8 हिस्से टच करने चाहिए जमीन को, लेकिन बाकी सब रिलीजन में मुझे ये लगता नहीं है कि प्रॉपर एक प्रोसीजर बताया गया है कि पूजा करने का, खड़ा होना, बैठना कैसे करनी चाहिए। बस मतलब मैंने कभी सुना नहीं है, बस ये है कि सब लोग इसी ढंग से पूजा करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, माथा टेकते हैं। लेकिन जैसे कि इस्लाम में हमने देखा है कि नमाज को एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है नमाज करने का, कि आपको पहले खड़ा होना है, झुकना है, बेंड करना है अपनी बैक को, फिर ज़मीन को टच करना है। तो एक पूरा प्रोसीजर है जो कि हर मुस्लिम फॉलो भी करते हैं। तो उनका प्रे करने का एक ही ढंग है, सारे मुस्लिम एक ही ढंग से प्रे करते हैं, जबकि हम देखें कि बाकी रिलीजन्स में अलग अलग करते हैं लोग। अगर कोई खड़ा है तो कोई बैठ के पूजा करता है, कोई खड़े होकर हाथ जोड़ देता है, कोई लोग बस मंदिर के बाहर से क्रॉस करते हुए या गुरुद्वारे के सामने से निकलते हुए हाथ जोड़ देते हैं, बस हो गई पूजा। तो ये तो होता है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप बताइए आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाइएगा। बाय बाय।